नमो बुद्धाय नमो भीमाय। अभी 2021 ये स्टार्ट हुआ है, ये नया डिकेड्स है, तो इसमें हमने कृतज्ञता जो भगवान बुद्ध ने बताया है अभिधम्म के एक किताब में लिख के आता है कि द्वे में पुग्गला असत्पुरुष भूमि कतयुता कतवेदी। तो दो प्रकार के लोग इस संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक जो लोगों की सेवा करता है, लोगों की कुछ हेल्प करता है, ऐसा इंसान मिलना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा कि जो जिसके ऊपर हम लोग हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो इंसान उस इंसान के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे खुद के मन में वो रखे। तो मैं चाहूँगा कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उन्होंने ये जो कृतज्ञता का जो भाव है इसको हमारे दैनंदिन जीवन में हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं जब फर्स्ट जनवरी था तब मैं डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर के लिए एक अच्छा फ्लावर्स लेके गया, मैं एक अच्छा गुलदस्ता लेके गया, और उनको मैंने फर्स्ट जनवरी एज अ ग्रेटिट्यूड डे के तहत मैंने उनको बोला कि मैं आपको ये फ्लावर्स देते हुए मैं सभी डॉक्टर्स को मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स को हम लिविंग गॉड्स बोलते हैं हमारे भारत में और भारतीय संस्कृति में, क्योंकि हमारे पे अगर कोई समस्या आ जाती है तो हमारे कितने भी पावरफुल देवी देवता या परमेश्वर परमात्मा रहे वो हमारे हेल्प के लिए नहीं आते हैं। जब हमें फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर्स ही हमें उसमें से बचाते हैं। इवन अगर मुझे जो बॉर्न हुआ है तो मैं एक हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ था, तो वो भी डॉक्टर ने ही इस जीवन में लाने में मदद किया। जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो डॉक्टर्स मुझे हेल्प करते हैं, कोई भी तरह तरह की तकलीफ शारीरिक मानसिक होती है तो डॉक्टर हमें उसमें से निकालते हैं। तो मैंने उनको एक जो जनवरी था तो उनको मैंने एज अ ग्रेटिट्यूड के तहत मैंने उनको पे किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव जागृत रखें और कृतज्ञता का अभ्यास आप दैनंदिन जीवन में करें, ताकि ये जो क्वालिटीज़ है ये क्वालिटीज़ आपके जीवन में वो डेवलप हो, ना सिर्फ डॉक्टर्स के प्रति लेकिन एंटायर लाइफ में, आपके लाइफ में किसी ने भी, आपके फ्रेंड्स, माता पिता, इवन जो जिन लोगों को आपने देखा नहीं है उन लोगों ने भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल वो रहे हुए हैं, तो हमें उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड पे करना है। हमें उन लोगों के प्रति भी ग्रैटिट्यूड पे करना है कि कभी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, कभी आप फ्लाइट से सफ़र करते हैं, कभी बस से सफ़र करते हैं, टैक्सी से सफ़र करते हैं, तो जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक के जो लेके जाते हैं उनके प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपको जो लोग खाना देते हैं या जो किसान आपको खाना प्रोवाइड करता है उनके प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करने का है। आपके लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी, आपके लाइफ में जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनके प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपके रिलीजियस टीचर्स के प्रति, आपके जो पहले के जो टीचर्स होके गए हैं उनके प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करने का है। तो ग्रैटिट्यूड और जो ग्रेटफुलनेस है ये आपको हमेशा आपके मन में रखने का है, इससे आपका मन भी निर्मल होगा और आप में एक अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, ताकि जिससे आपका जो माइंड भी रहेगा वो काफ़ी पीसफुल और हैप्पी रहेगा। हमें एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीडीपी के ऊपर काम करती है, तो हमें ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ये हमें बढ़ाने का है सोसाइटी का। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें ये जो प्रैक्टिसेस है, जो अच्छे प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस हमें करना है। तो जो भी हमारे लाइफ में जो हमें हेल्पफुल रहे हैं, इवन हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है बॉडी के, आप उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और जब वो बिगड़ जाते हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं, तब हमें उसका इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स के प्रति भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस ईयर एज अ ग्रैटिट्यूड ईयर, और नए साल की शुरुआत हम लोग कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और संगकाया टाइम्स यूट्यूब चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक और फेसबुक पेज संगकाया फाउंडेशन एंड और इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक माई पर्सनल पेज अजान प्रशील रत्न ऑन फेसबुक। थैंक यू। नमो बुद्धाय।